Hey guys, again and come back. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टॉप बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000. सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए. चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं. सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं आपको इन पांचों फोन्स के बारे में बताऊंगा और उससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो सारे फोन्स हैं वो अंडर 15,000 है. So, इस टाइम जो है इस सारे फोन्स में जो है डिस्काउंट चल रहे हैं, इस सारे फोन्स के जो रेट हैं आपको 15,000 से कम ही दिखेंगे. सो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारा पांचवे नंबर पे जो हमारा फोन आता है वो है Redmi का Note 7. सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका जो है डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाता है 6.3 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले. मैं आपको बता दूं सारे फोन जो आपको फुल HD+ डिस्प्ले के साथ मिलने वाले हैं इसमें 15,000 के जो है अंडर. और ये वेरिएंट आपका 4GB 64GB इंटरनल के साथ आता है. उसके बाद मैं आपको बता दूं इसकी बैटरी इसमें आपको मिल जाती है 4000mAh की. बात करते हैं इसके प्रोसेसर आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 660 का प्रोसेसर मिल जाता है. बात करते हैं इसके कैमरा इसमें काफी कमाल का दिया गया है. रियर कैमरा जो आपको मिल जाता है 12MP प्लस 2MP का और इसमें फ्रंट कैमरा जो आपको मिल जाता है वो है 13MP का. ओवरऑल मैं आपको बता दूं इसकी जो प्राइस निकल के आती है 10,999 रुपए. और अब हम चलेंगे अपने चौथे फोन के ऊपर जो हमारा Samsung Galaxy M30. तो गाइस इसमें जो हमें डिस्प्ले मिल जाती है 6.4 इंचेस की फुल HD+ डिस्प्ले मिल जाती है और ये जो वेरिएंट आता है आपको 4GB रैम 64GB इंटरनल के साथ आता है. बात करते हैं इसकी बैटरी के ऊपर, बैटरी इसमें 1000mAh उससे ज्यादा मिलने वाली है. इसमें जो हमें बैटरी मिली वो 5000mAh की मिलती है. बात करते हैं इसके प्रोसेसर हमें इसमें मिल जाता है Exynos का 7904 का प्रोसेसर. कैमरा इसमें सबसे कमाल का दिया गया भाई साहब 13+5+5. फ्रंट कैमरा इसमें मिल जाता है हमें 16MP का. फाइनली जो इसकी प्राइस निकल के आती है हमारी Samsung Galaxy M30 की वो है 11,999 रुपए. टोटल हो गया आपका 12,000 रुपए. चलते हैं अपने तीसरे फोन के ऊपर. तीसरा फोन हमारा निकल के आता है Asus का Zenfone Max Pro M2. सो आपको पता होगा ये फोन बहुत ही पहले आया हुआ था बट मैंने जो है अंडर 15,000 इसको रखा हुआ है. ये भी फोन काफी अच्छा आपको मिल जाता है और इस फोन में आपको मिल जाती है एक एक्स्ट्रा फीचर जो है फ्रंट LED फ्लैश. सो चलिए बात करते हैं इसके डिस्प्ले के ऊपर. तो डिस्प्ले इसमें हमें मिल जाता है 6.26 इंचेस का फुल HD+ डिस्प्ले और इसकी बैटरी आपको मिल जाती है 4000mAh की. और ये जो वेरिएंट है ये भी आपका 4GB रैम 64GB इंटरनल के साथ आ रहा है और इसका जो बैटरी हमें मिलता है 4000mAh की टोटल बैटरी मिल रही है. बात करते हैं इसके प्रोसेसर के ऊपर. प्रोसेसर हमें मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 660 का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है. बात करते हैं इसके कैमरे के ऊपर. इसमें जो हमें रियर कैमरा मिल जाता है 12+5MP का. बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरे की. फ्रंट कैमरा हमें इसमें मिल जाता है 13MP का विद LED फ्लैश. और ओवरऑल जो हमें प्राइस निकल के आता है वो निकल के आता है 10,999 रुपए जो कि 11,000 रुपए. मैं आपको बता दूं 15,000 के अंडर ही मैंने इन सारे फोन्स को रखा हुआ है. और एक बार मैं आपको फिर से बता दूं ये सारे फोन जो है इस टाइम डिस्काउंट में चल रहा है, नहीं तो मैं आपको बता दूं ये सारे फोन जो आपको 13,000 से 14,000 के अंडर मिलते हैं. तो अब चलते हैं हम अपने दूसरे स्मार्टफोन के ऊपर. दूसरा स्मार्टफोन हमारा काफी अच्छा है जो कि Redmi का Note 7 Pro. आपको पता होगा काफी अच्छा फोन है ये. बात करते हैं इसके डिस्प्ले के ऊपर. डिस्प्ले हमें इसमें मिल जाती है 6.3 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले. काफी अच्छा डिस्प्ले दिया गया है. बात करते हैं इसके वेरिएंट के ऊपर. ये भी वेरिएंट आपको 4GB रैम 64GB इंटरनल के साथ मिलता है. बैटरी इसमें मिल जाती है हमारी 4000mAh की. काफी अच्छी बैटरी दी है. बात करते हैं इसके प्रोसेसर के ऊपर. प्रोसेसर इसमें हमें मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 675 का प्रोसेसर. कैमरा इसमें मिल जाता है 48MP और 5MP. बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा इसमें मिल जाता है 30MP जो कि आपकी सेल्फी तो काफी बेहतरीन बनाने वाला है. इसकी जो प्राइस निकल जाती है वही 11,999 रुपए यानी कि 12,000 रुपए. इस पे भी आई थिंक जो है 2000 का या 1000 का डिस्काउंट चल रहा है. आप चाहें तो किसी भी फोन को परचेस कर सकते हैं. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं. अब यार भाई हमारा आता है सबसे पहला नंबर का फोन जो कि आपको सबसे बेस्ट पड़ेगा. मैं आपको बता दूं सारे फोन्स को छोड़ के आप पहला नंबर वाला फोन लेंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा. तो हमारा सबसे पहले नंबर वाला फोन आता है Realme का Realme 3 Pro. सबको पता होगा काफी बेस्ट फोन, काफी बिकने वाला फोन हमारा Realme 3 Pro. बात करेंगे इसके डिस्प्ले के ऊपर. डिस्प्ले इसमें मिल जाता है 6.3 इंचेस का फुल HD+ डिस्प्ले. तो आपको पता होगा इसका भी जो वेरियंट आपको मिल जा रहा है 4GB रैम 64GB इंटरनल के साथ. बात करते हैं इसके बैटरी के ऊपर. बैटरी भी ठीक ठाक दी गई है, 4045mAh की दी गई है. सो किससे कम है भाई, सब में तो 4000mAh दिया गया, इसमें भी तो 4045mAh की बैटरी दी गई. सो गाइस बात करते हैं इसके प्रोसेसर के ऊपर. प्रोसेसर इसमें हमें मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 710. काफी फास्ट प्रोसेसर मिलता है हमें इसमें. और यार सबसे बेस्ट तो हमारा कैमरा छूट ही गया. कैमरा इसमें हमें मिल जाता है 16MP प्लस 5MP का जो कि है रियर कैमरा. और बात करेंगे इसके फ्रंट कैमरा की. फ्रंट कैमरा तो सबसे कमाल का है जो कि हमारा 25MP का फ्रंट कैमरा दिया जा रहा है. ओवरऑल मैं आपको बता दूं इसकी प्राइस जो निकल के आती है 12,000 या 12,500 के आसपास आपको ये फोन मिल जाएगा. इस टाइम जो है इस फोन पे भी जो है डिस्काउंट चल रहा है. आप चाहें तो सारे फोन्स का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं. तो गाइस फाइनली मैं आपको बता दूँ पांचों फोन्स में सबसे बेस्ट मुझे Realme 3 Pro लगा हुआ है
और आप भी जो अगर Realme 3 Pro अगर परचेस करते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। कैमरा भी सबसे बेस्ट दिया गया है, बैटरी तो अच्छी दी ही गई है। तीसरी, हमें इसमें फास्ट प्रोसेसर मिल जाता है जो कि आप PUBG वगैरह खेलो एकदम धकाधक। चलो यार, वीडियो को यहीं पे करेंगे एंड। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।